उस माँ के ऊपर क्या बीता होगा सर, जिस माँ ने अपने बच्चे को लंबे समय तक पाला पोसा, जिस आंचल में माँ ने अपने बच्चे को सुलाया था, वो लड़का वो बेरोजगारी की डर से, बेरोजगारी से तंग आकर के उसी साड़ी से सर अपना फंदा बना करके वो लपेट लिया सर, खत्म हो गया। हमारे बीच में अब एक भाई नहीं रहे सर, तो दुख है सर, हमें दुख है, इसलिए हमें न्याय चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए। इस बेरोजगारी की चुंगल से हमें मुक्ति चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने और जेपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर पिछले दो दिनों से दो जेपीएससी के अभ्यर्थी जो पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं वे अनशन पर बैठे थे, और अभी देखिए उनकी तबीयत यहाँ पर बिगड़ गई है और तमाम जितने भी उनके साथी हैं वह हाथ और पैर रगड़ रहे हैं। क्या हुआ है? तबीयत इनका खराब हो गया, कमजोरी लग रहा है, थोड़ा सा बीपी लगता है कि बढ़ गया है या घट गया है, हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है, थोड़ा कमजोरी आया है। पुलिस जो है अभी एक टीम आई थी मेडिकल, लेकिन देखने के लिए अभी नहीं आई है, नहीं पहुंची है। हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं कि दिखाया जाए तबीयत का, अभी वो बस आज तीसरा दिन है और अभी तो ऐसे बहुत दुखद स्थिति है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, जेपीएससी को रद्द करना चाहिए था, और जो 5 लाख की नौकरी की जो बात उनका था वादा वो पूरा कर देते। पंचायत सचिव का ये अभ्यर्थी है, अगर उसका रिजल्ट निकाल देते तो ये नौबत नहीं आता। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पर संज्ञान ले, और झारखंड के युवा देख रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, तो आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और सभी रांची मोराबादी पहुँचें और हमारा इस अनशन में बढ़ चढ़कर। क्या गुलाम जी, तबीयत ठीक है? ठीक क्या रहेगा सर, खाना पीना कुछ नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे? नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे सर, पानी पीजिएगा, नहीं पिएंगे, क्योंकि सर आपने हाल ही में सुना होगा सर कि किस तरह से हम उस युवा के लड़ रहे सर। ये झारखंड वीरों की धरती है सर, और ये बेरोजगारों की धरती बन गई है सर, और इसीलिए ये जंग लगातार जारी रहेगा सर। आपने देखा होगा सर कि उस माँ के ऊपर क्या बीता होगा सर, जिस माँ ने अपने बच्चे को लंबे समय तक पाला पोसा, जिस आंचल में माँ ने अपने बच्चे को सुलाया था, वो लड़का वो बेरोजगारी की डर से, बेरोजगारी से तंग आकर के उसी साड़ी से सर अपना फंदा बना करके वो लपेट लिया सर, खत्म हो गया। हमारे बीच में अब एक भाई नहीं रहे सर, तो दुख है सर, हमें दुख है, इसलिए हमें न्याय चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए। इस बेरोजगारी की चुंगल से हमें मुक्ति चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तबीयत इनका भी, इनकी भी टेम्परेचर गिर गया इनके। मैं पुलिस अधिकारी था, उनको मैं 3 बार सूचित किया कि गुलाम हुसैन जी का तबीयत थोड़ा सा बिगड़ रही है, आप मेडिकल को बुला दीजिए। मुझे बोला गया कभी मेडिकल टीम आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, पर अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है, और इनका हाथ पैर पूरा ठंडा पड़ गया है, और हम लोग बस रगड़ रहे हैं सर ताकि इनको थोड़ा बहुत ऊर्जा मिल सके इनको। देखिए इनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, और जो साथी हैं इनके वह चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें होश आए। आप देखिए ये जेपीएससी के अभ्यर्थी यहाँ पर जुटे हैं, आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना है। thefollowup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in